सीतापुर में एक तरफ कोरोना मरीजों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे जिला प्रशासन की नींद भी उड़ी हुई है। जिले के नोडल अधिकारी, जिला अधिकारी लगातार विभिन्न कार्यालयों, बाजार आदि में जा जाकर संबंधित जिम्मेदारों को निर्देश भी दे रहे हैं और जनता से लगातार अपील भी कर रहे हैं। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सीतापुर के कानों पर जू नहीं रेंग रहे हैं। बस स्टैंड पर यात्रियों के साथ साथ विभाग के जिम्मेदारों द्वारा भी कोविड 19 प्रोटोकॉल नियमों को धता बताते हुए लगातार लापरवाही बरती जा रही है। आई इंडिया के कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए, देखिए किस तरह लोग अपने गंतव्य तक जाने की जल्दबाजी में प्रोटोकॉल के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बस अड्डा प्रशासन द्वारा भी नियमों को दरकिनार करते हुए न तो वहां आने वाले यात्रियों के सैनिटाइजेशन के उचित प्रबंध किए गए हैं और न ही कोई ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिससे यात्री सही ढंग से संक्रमण से बचते हुए यात्रा कर सके। यहां तक यात्री बस स्टैंड पर खड़ी बसों पर न सवार होकर झुंड के झुंड चलती बसों पर चढ़ रहे हैं। बताते चलें कि सीतापुर में मिलने वाले ज्यादातर पॉजिटिव केस बाहर से ही आए हैं। ऐसे में बढ़ती जा रही यह लापरवाही कहीं 44 लाख की आबादी को भारी न पड़ जाए। कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती हुई संख्या को लेकर प्रशासन में खलबली मची हुई है। यहां तक कि 55 घंटे का फिर से लॉकडाउन भी किया गया, लेकिन एक भारी कमी जो कि आज हमारे कैमरे में कैद हुई है, हम दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हैं कि रोडवेज बस अड्डे पे समय मौजूद है, यहाँ पे बसों की सीटों के अंदर किसी भी तरीके का सैनिटाइजेशन नहीं किया गया है। यहाँ तक कि बस के कंडक्टर हैं वो रास्ते से सवारियों को भर रहे हैं, जहाँ की किसी भी तरीके की थर्मल स्कैनिंग नहीं की जा रही है। अपने सहयोगी शैलेंद्र द्विवेदी के साथ सरित सक्सेना, आई इंडिया, सीतापुर।